यमुनानगर जिला उपायुक्त श्री मुकुल कुमार जी ने जनता के नाम कोरोना को लेकर संदेश दिया और साथ में आने वाले हर त्योहार पर क्या हमें सावधानियां बरतनी हैं उसके लिए भी बताया। आइए उन्हीं से जानते हैं। सर्वप्रथम तो मैं आप सभी के माध्यम से जिला वासियों को आने वाले दिवाली के त्योहार और अन्य सभी उत्सवों की बधाई देना चाहूँगा और इसके साथ साथ मैं ये भी स्ट्रेस करना चाहूँगा कि फेस्टिव सीजन में जैसे कि भीड़ पड़ने की बुरी आशंका है, लोग मार्केट्स में निकल रहे हैं, परचेजेस कर रहे हैं, तो उसमें कोरोना वायरस अभी तक जिस तरह उसका ख़त्म नहीं हुआ है तो उसके मद्देनज़र ही लोग अपने कंडक्ट और आचरण को रखें, जहाँ तक हो सके अनावश्यक रूप से बाज़ारों में ना निकलें। ये सही है कि हमारी अभी रिकवरी रेट बहुत इम्प्रूव हो गई है और पॉजिटिविटी रेट भी हमारे बहुत कम पेशेंट्स पॉजिटिव आ रहे हैं, पर उसका ये मतलब किंचित मात्र भी नहीं है कि अभी ये वायरस ख़त्म हो गया है। तो हम जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो उन सभी बातों का पालन करते हुए हम अपने जो हमारे सोशल डिस्टेंसिंग और हाइजीन के जो नॉर्म्स हैं उसकी पालना करें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना निकलें, कहीं त्योहारों के इस मौसम में और कोई व्यक्ति बीमार ना हो और सारे इन नियमों का पालन करते हुए हम त्योहारों को मनाएं। तो सर जिला प्रशासन द्वारा भी कुछ अवेयरनेस के लिए जिस प्रकार के फेस्टिवल सीजन चल रहा है उसको लेकर भी कुछ किया जा रहा है? हमारी तरफ से IAC एक्टिविटीज़ पे विशेष जोर दिया जा रहा है कि उत्सवों के इस पीरियड के अंदर लोग अपना खुद ध्यान रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में ना जाएं और बहुत ज़रूरी कार्य हो तभी वो अपने घर से कंट्रोल में ला सकते हैं। अभी तक जिलावासियों के सहयोग से ही काफ़ी कंट्रोल में रहा है और पिछले 6-7 दिन में आप जैसे देख रहे हैं कि 10-12-15 केसेज ही आ रहे हैं, तो ये आप सबके सहयोग से ही संभव हो पाया है। तो यही हमारा प्रीएम्प्टिव एक्शन रहेगा कि आगे भी हम इसको कंटिन्यू करें और त्योहारों में कोई हम नेग्लिजेंस ना। जैसे कि सर अब दीपावली का त्यौहार आने वाला है तो वायु प्रदूषण को लेकर या फिर यूं कहें कि पटाखों के शोर को लेकर क्या कदम सरकार के रहेंगे, किस तरीके से? उसके अंदर हमारा बकायदा ऑर्डर निकल गया है कि जो हमने स्थान चिन्हित करे हैं जी, वहीं पर स्टॉल्स लगाए जाएंगे और उसका अभी ड्रॉ भी हो जाएगा परसों, और जो भी सरकार की गाइडलाइंस हैं वाटर एयर पॉल्यूशन को लेके, क्रैकर्स को लेके, उस पर हम अक्षरशः पालना करेंगे। इसमें सर जो कोरोना के जो लैब ने काम करना शुरू कर दिया तो कैसे रिजल्ट आ रहा सर? कोरोना के लैब अब पूरी तरह फंक्शन हो गई है और जो हमारे सैंपल समय पहले दूसरे सेशन पे पंचकुला करना अलग रोहा भेजने पड़ते थे वो यहीं से भी हम रिपोर्ट्स मिल रहे हैं। तो सरकार ने सर कोई सरकार की तरफ से कोई पॉलिसीज या कुछ ऐसी स्कीम्स शुरू की गई हैं जो कोरोना को लेकर किस तरीके से बचाव के लिए, क्योंकि अब भीड़ बढ़ेगी, आवाजाही बढ़ेगी सड़क पर? नहीं, सरकार की तरफ से यही हिदायतें हैं कि हम जैसे पहले लोगों ने साथ दिया है, जहाँ तक सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं, हाइजीन नॉर्म्स हैं, उसकी पालना की है, त्योहारों के मौसम में भी उसकी पालना करें। इसमें सर एक बार यमुनानगर प्रदूषण के क्षेत्र में हिंदुस्तान में नंबर वन चला गया, तो आज क्या स्थिति सर? आज जिस तरह प्रातःकाल का मैंने डेटा देखा था जो हमारे गवर्नमेंट के पोर्टल से जहाँ से हमारे पास आते हैं, उसमें ये AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स यमुनानगर का 86 था, तो वो काफ़ी अप्रिशिएबल है। तो उसके लिए प्रशासन की तरफ से सतत प्रयास किए जा रहे हैं, चाहे वो स्प्रिंकलिंग हो वाटर की या हमारे जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको हमने सचेत भी किया था वो इसका ध्यान रखें, और किसानों को भी सचेत किया जा रहा है कि ओपन में पराली ना जलाएं। तो मेरा ये मानना है कि उसका ही ये स्टेप्स ही हैं जिससे हमारा AQI अब काफ़ी इम्प्रूव हो गया है और आगे भी इसको और कम लाने का प्रयास करेंगे। सर पानी की बौछार भी की जा रही है इस चीज़ को लेकर? बिल्कुल, हमारे लोकल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से पानी की बौछार की जा रही है, पत्तों पेड़ों के ऊपर डाला जा रहा है और जहाँ जहाँ धूल पड़ी हुई है उसको भी छिड़काव किया जा रहा है ताकि धूल ना हो। एक जो आपको पता हो सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है परिवार पहचान पत्र, जिसमें हर एक परिवार को एक पहचान पत्र दिया जाता है, तो उसके मद्देनज़र मेरी जिलावासियों से अपील रहेगी जिन जिन का अपना परिवार पहचान पत्र अभी नहीं बना है तो वो उसको बनवाएं। इसके लिए नोडल ऑफिसर हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यमुनानगर है और लोकल कॉरपोरेशन एरिया में नगर निगम यमुनानगर इसको देख रहा है। तो आप सबके माध्यम से मेरी अपील है कि हम अपना परिवार पहचान पत्र जरूर बनाएं, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की वो इसी से लिंक्ड होंगे। सर कब मिले, कहाँ मिले, किसको मिले सर, कौन बनाएगा? ADC ऑफिस में ADC मैडम नोडल ऑफिसर है, एरिया वाइज हमने ऑफिसर्स को डेजिग्नेट कर रखा है और डाउन टू द लोएस्ट लेवल परिवार पहचान पत्र बनाए जा रहे हैं।